तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई बंधु। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट स्पॉन सीड्स इन माइनक्राफ्ट 1.20 और 1.20.1 जो कि आपके बहुत सारा काम आने वाले हैं। और इन सीड्स के अंदर आपको स्पॉन पॉइंट पे ही देखने को मिल जाएगा या तो कोई विलेज या फिर कोई प्लेसर आउटपोस्ट या फिर कोई भी रूंड पोर्टल। तो भाई फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस जो हमारा पहला सीड है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो जाके या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे कहीं नोट कर लो। बाकी जो स्पॉन पॉइंट है इस वाले सीड का, ये पूरा स्नो बायोम वाला होने वाला है। यहाँ तो मैं जो है भाई स्नो के ग्लेशियर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर भाई तुम लोग स्पॉन पॉइंट से कुछ थोड़ी सी दूर जाओगे तो भाई यहाँ तुम्हें एक टाइगर या फिर स्नोई विलेज देखने को मिलने वाला है एक पूरे जंगल के अंदर में, जहाँ भाई आपको ये देखने में एकदम सिंपल विलेज लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पर ये विलेज बहुत ही ज्यादा ओपी है बिकॉज इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा ओपी लूट देखने को मिलने वाली है। और भाई जो भी लूट है वो मैं आपको एक एक करके सारी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो भाई आप लोग खुद ही देख सकते हो यहाँ आपको डायमंड्स तक देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई इस वाले विलेज के अंदर आप लोग जरूर से आ सकते हो, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो और यहाँ मस्त तरीके से इसे लूट करके अपने आप को अमीर बना सकते हो। बाकी जो विलेज है वो ऊपर से कुछ इस टाइप का देखने में लगता है। बाकी आपको लूट तो मैंने दिखाई दिया, तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस वाले विलेज के अंदर जाना है या फिर नहीं। तो बस इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड सीड पे। और भाई जो सेकंड नंबर का सीड है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो भाई इसे जाके स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी यार इसका जो स्पॉन पॉइंट है ये एकदम भाई पूरा प्लेन्स बायोम वाला होने वाला है। और आपको दिख भी रहा होगा कि भाई यहाँ पे आते ही मेरे को एक रूंड पोर्टल और एक विलेज दिख चुका है। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है रूंड पोर्टल की लूट को चेकआउट करते हैं और जो रूंड पोर्टल है भाई उसको भी एक बार चेकआउट करते हैं कि वो देखने में कैसा है। तो भाई जो रूंड पोर्टल है ये एकदम टूटा हुआ है जैसे कि तुम्हें दिख भी रहा होगा, साथ में भाई यहाँ तुम्हें गोल्ड का ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई यहाँ पे एक चेस्ट भी है, उसके अंदर की लूट देखो कुछ इस टाइप की होने वाली है जो कि एकदम बेसिक लूट है। यहाँ तुम्हें एक गोल्डन एप्पल भी देखने को मिल जाएगा जो कि भाई इसके लिए एक एडवांटेज वाली बात हो जाती है। बाकी यार यहाँ तुम्हें इसी के जस्ट साइड में एक प्लेन्स बायोम वाला विलेज भी देखने को मिल जाएगा जो कि भाई एक ज्यादा बड़ा विलेज भी नहीं है, पर हाँ भाई एक डिसेंट साइज का विलेज है जहाँ तुम्हें एक एवरेज टाइप की लूट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ के तुम लोग मस्त तरीके से रह सकते हो, अपना भाई मस्त तरीके से सर्वाइव कर सकते हो, अपनी सर्वाइवल सीरीज यहाँ पे चालू कर सकते हो। और जो लूट भाई होने वाली है वो मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग जाए कि तुम्हारा इस विलेज में रहने का कोई फायदा है भी या फिर नहीं। और भाई इसके बाद ये सब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम्हें यहाँ रहना है या फिर नहीं। बाकी आज जो विलेज है ये ओवरऑल कुछ इस टाइप का देखने में लगता है। और गाइस इसी के साथ यहाँ पे जो है ये सीड यहीं पे खत्म नहीं होता, इसके अलावा यहाँ तुम्हें कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे देखने को मिल जाएगी एक माइन शाफ्ट जो कि भाई एक बहुत ही ज्यादा बड़ी माइन शाफ्ट है जो कि भाई यहाँ तुम्हें दिख भी रही होगी। और यहाँ तुम लोग मस्त तरीके से इसको भी लूट कर सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ की लूट नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ तुम लोग इसे खुद ब खुद लूट कर लेना। बाकी यार इसके अलावा यहाँ तुम्हें दो भाई स्पॉनर भी देखने को मिलेंगे या फिर तुम लोग उन्हें डंजन भी कह सकते हो। और गाइस उन दोनों डंजन के अंदर तुम्हें एक जो है स्केलेटन का स्पॉनर देखने को मिल जाएगा, साथ में तुम्हें एक यहाँ पे स्पाइडर का स्पॉनर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी जो लूट इन दोनों डंजन की होने वाली है वो तुम्हें खुद ही लूट करनी पड़ेगी। और गाइस मैं यहाँ पे लूट इसलिए चेक करके नहीं दिखा रहा ताकि भाई तुम्हारे पास यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्पेंस बना रहे। तो भाई इसके अलावा यहाँ तुम्हें भाई कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे देखने को मिल जाएगी एक चेरी ब्लॉसम बायोम जो कि 1.20 का एकदम ब्रांड न्यू भाई ऐड हुआ हुआ आइटम है। आइटम नहीं, तुम लोग इसे बायोम ही कहोगे। और भाई यहाँ तुम्हें मस्त तरीके से घर बनाने का ऑप्शन मिल सकता है, तुम लोग खुद ब खुद अपना घर यहाँ बना सकते हो और यहाँ सर्वाइव कर सकते हो। बाकी जो ये वाला सीड था उसके अंदर तुम्हें इतना ही देखने को मिले। तो चलो यार फटाफट से बढ़ते हैं अपने थर्ड सीड पे। तो गाइस इसी के साथ भाई हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड नंबर के सीड पे। और भाई जो थर्ड नंबर का सीड है वो हमारा सेम टू सेम सेकंड नंबर के सीड की तरह दिखता है स्पॉन पॉइंट पे। और भाई यहां तुम्हें बहुत ही ज्यादा बड़ा जंगल देखने को मिल जाएगा, पर इसके अलावा अगर तुम लोग थोड़ा सा आगे जाओगे स्पॉन पॉइंट के तो यहां तुम्हें वापस से एक प्लेन्स बायोम वाला विलेज देखने को मिल जाएगा जो कि भाई लास्ट टाइम वाला जितना ही बड़ा है। और यहां तुम्हें ना थोड़ी बहुत डिसेंट लूट देखने को मिल जाएगी पिछली बार की तरह। भाई बाकी यार तुम लोग इसकी लूट को खुद ब खुद चेकआउट करना। एक बार मैं तुम्हें जरा ऊपर से इस विलेज का लुक दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग जाए कि ये विलेज किस टाइप का होने वाला है। तो भाई ये विलेज कुछ इस टाइप का होगा जैसे कि तुम्हें दिख भी रहा है। और गाइस इसके अलावा ये जो विलेज है भाई यहीं पे खत्म नहीं होता है, अगर तुम लोग कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे आओगे तो भाई यहाँ तुम्हें एक प्लेजर आउटपोस्ट भी देखने को मिल जाएगा जो कि भाई विलेज से ज्यादा दूर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे तुम लोग इजिली अपनी रेड को ट्रिगर करा सकते हो, अपना रेड फार्म बना सकते हो और अपने वर्ल्ड को ओपी कर सकते हो। बाकी यार इसके अंदर जो हमारा प्लेजर आउटपोस्ट है उसकी जो लूट है भाई वो कुछ इस टाइप की होने वाली है।
गया है। सैडली यहाँ पे जो है तुम्हें कोई भी ट्रिम देखने को नहीं मिली, जो कि भाई 1.20 में आजकल देखने को मिल जाती है हर प्लेजर आउटपोस्ट के अंदर में। तो भाई ये इस वाले प्लेजर आउटपोस्ट का एक डिसएडवांटेज तुम लोग कह सकते हो, पर जो भी है भाई एकदम बढ़िया है, तुम लोग इसे भी भाई प्रेफर कर सकते हो। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ सीट पे। हाँ गाइस, यहाँ मैंने थर्ड सीट बोले थे पर यहाँ मेरे को चौथा सीट भी मिला है, जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें ये वीडियो जरा से भी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को जाकर लाइक कर दो, क्योंकि यार ये सारे सीट्स को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और खासकर वीडियो बनाने में अलग मेहनत लगती है। तो प्लीज तुम सबके एक लाइक से मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज जाके लाइक कर देना। तो लेट्स गो। तो गाइस इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने फोर्थ नंबर के सीट पे। और भाई जो हमारा फोर्थ नंबर का सीट है उसका जो स्पॉन पॉइंट है वो भाई हर बार की तरह सेकंड और थर्ड नंबर के सीट की तरह ही होने वाला है, पर यहाँ तुम्हें एक एक्स्ट्रा बायोम देखने को मिल जाएगी जो की है सवाना बायोम। और भाई सवाना बायोम का मतलब है कि यहाँ तुम्हें कुछ सवाना बायोम से रिलेटेड देखने को मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ तुम्हें एक बहुत बड़ी केव देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर तुम लोग थोड़ा सा आगे जाओगे स्पॉन पॉइंट के तो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा पहले एक रूंड पोर्टल, जो कि भाई एक छोटा सा रूंड पोर्टल है, पर इसको छोटा समझ के इसको छोटा मत समझ लेना। हाँ भाई जो मैं कह रहा हूँ समझो उस बात को। और भाई यहाँ तुम्हें जो है लूट भी देखने को मिलेगी इस वाले रूंड पोर्टल के अंदर, जो कि एकदम डिसेंट टाइप की लूट होने वाली है। और भाई यहाँ पर तुम्हें गोल्ड ब्लॉक तो देखने को मिल ही रहा है, तो मस्त तरीके से जाके उसको भी लूट लेना। तो भाई इसके अलावा अगर तुम लोग यहाँ थोड़ा सा आगे जाओगे रूंड पोर्टल के तो यहाँ तुम्हें एक जो है भाई सवाना बायम वाला विलेज भी देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई एक बहुत ही ज्यादा ओपी विलेज है। और भाई आजकल सवाना बायम के विलेज बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलते हैं, खासकर मेरे को। तो भाई अगर तुम्हें सवाना बायम वाले विलेजेस पसंद है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। और भाई ये जो सवाना बायम वाला विलेज है इसके अंदर की लूट भी एकदम डिसेंट होने वाली है, ज्यादातर तुम्हें यहाँ पे भाई खाने से रिलेटेड लूट देखने को मिलेगी, तो भाई एक बार जाके चेकआउट कर लेना। बाकी अगर तुम्हें सवाना बायम बहुत ज्यादा पसंद है तो यहाँ तुम लोग अपनी कोई सीरीज या फिर तुम लोग अपना सर्वाइवल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के, और यहाँ तुम्हें खाना वगैरह भी एकदम डिसेंट अमाउंट में देखने को मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बाकी यार बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज जाके वीडियो को लाइक कर देना, साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करके रखा है ना, मेरे को पता है, तो जाके मुझे फॉलो भी कर लो। बाकी यार मैं मिलूंगा तो मैं इसी तरह किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ। अपना ख्याल रखें और देखते रहें विलायक गेमिंग। ये तो अनुप सोनी वाला डायलॉग हो गया रे।